दिया है, उसी तरह से आज हमें मराठी का स्टैंडर्ड स्टेन का सेकेंड वाली जो पोयम है संतवाणी, वो आज हमें यहाँ पर देखनी है। और वो संतवाणी में पार्ट वन और पार्ट टू, ऐसे दो पार्ट है, उसमें से आज हमें पहला पार्ट देखना है। तो पहला पार्ट जो है अ, उसका उन्होंने वो पोयम का नाम बताया है अंकिना मी दास तुझा। अभी ये पोयम यानी ये संतवाणी है जो संतों ने लिखी है, और यहाँ पर इस पोयम के जो लेखक कवि बोले हैं वो कवि है संत नामदेव। उनका जन्म हुआ था 1270 और उनका मृत्यु कब हुआ था 1350 में। ये संत नामदेव जो है वो वारकरी संप्रदाय के थोर संत कवि। अभी वारकरी लोग जैसे हिंदू का एक अलग समाज होता है, वो कास्ट होती है, वो मतलब संप्रदाय, संप्रदाय यानी क्या होता है, ग्रुप होता है, और वारकरी ये एक अलग समाज है, और वो समाज एक ग्रुप के साथ मतलब विठ्ठल भगवान की वो क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। ये एक वारकरी संप्रदाय की थोर संत कवि आए कौन, तो संत नामदेव। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कृष्ट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ आणि साधी आहे। देखो संत नामदेव जो बोले गए है उनकी अभंग रचना, अभी ये भी आपको बताया है, ये भी एक क्या है अभंग आपको बताया हुआ है, और उनकी अभंग की जो रचना बताई है वो अतिशय उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ आणि साधी आहे, यानी एकदम इजी तरीके से आपको उन्होंने वो अभंग समझाए हुए है। त्यांनी हिंदी में ही रचना केलेली आहे, यानी उन्होंने हिंदी में भी ये अभंग सब लिखे हुए है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भगवत धर्माची पताका फडकवली, देखो और पंजाब में जाकर भी उन्होंने भगवत धर्म जो है उनका उन्होंने पताका मतलब उन्होंने वहां पर वो धर्म का क्या किया था, प्रचार किया था। शिखाचा गुरु ग्रंथ साहिब, या ग्रंथात त्यांची 61 कव्ये समाविष्ट आहे। देखो अभी ये शीख लोग जो है, सिख लोग पता है ना आप लोगों को, तो वो हिसाब से ये जो शीख है, शिखांचा गुरु ग्रंथ साहिब या ग्रंथात त्यांची 61 कव्ये समाविष्ट आहे। भक्त नामदेवांची भक्त नामदेवजी की मुखवाणी या नावाने ते प्रसिद्ध आहे। देखो मतलब उन्होंने ये अभंग जो है वो हिंदी में उन्होंने बताए है, और उस बुक का मतलब वो भक्त नामदेव की वो जो बुक है वो बुक का नाम यहाँ पर क्या बताया है, मुखवाणी। क्या नाम बताया है, मुखवाणी, इस नाम से वो क्या है प्रसिद्ध है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे, यानी यहाँ पर उन्होंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल बताए हैं कि वो विठ्ठल भगवान को मिलने के लिए कितने अतुर है, कितने एक्साइटेड है, वो सब उन्होंने यहाँ पर बताया है, और वही आज हमें यहाँ पर देखना है। अंकिना मी दास तुझा, अंकिना मी दास मतलब मैंने अपने आप को तेरे सामने यानी तेरे लिए मैंने अपने आप को क्या कर दिया है, पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। इसके लिए इस संतवाणी का नाम दिया है उन्होंने अंकिना मी दास तुझा। अभी आपको मैं यहाँ पर शब्द अर्थ बताती हूँ। अग्नि, अग्नि माजी म्हणजे आगी मध्ये, आगी मतलब आग, फायर पता है सबको। हाँ, कनवाळू, कनवाळू यानी दयालु, बहुत प्यार से किसी से बात करना एकदम अच्छे से। तैसा म्हणजे तसा, लोग बोलते ना उसके जैसा, इसके जैसा, उस तरह से। माता म्हणजे आई, सबको पता है माता जननी जो है वो हमारी वो होती है माँ होती है। काजा, काजा यानी काम, कोई काम को यहाँ पर काजा बोला गया है। दास, दास यानी गुलाम। सर्वेची, सर्वेची यानी पटकर यानी जल्दी। पिल्ली, पिल्ली यानी पाए, पाए यानी छोटे बच्चे। धेनु, धेनु यानी गाय, गाय आप सबको पता है। हुमरत, हुमरत यानी हमरत। वनवा, वनवा यानी मोटी आग, यानी सबसे बड़ी आग, जंगल में बड़ी बड़ी आग लगती है, बराबर। जैसे अभी कुछ गए कुछ महीनों में ही ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जंगलों में, उसे बोलते हैं वनवा। वनी, वनी यानी रानात, रानात यानी जंगल। परस, पारस यानी हरिणाचे पिल्लू, हरिण पता है सबको, उसके बच्चे को पारस बोला जाता है। मेघ,
आपको देखनी है तो सबसे पहले ये पोयम देख संतवाणी देखनी है। अग्नि माझी बड़े बाळू माता धावे कनवाळू, तैसे धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा, सर्वेची झेपावे पक्षी पिल्ली पडताची धरणी, भुकेने वासरावे धेनू उमरत धावे, वनवा लागला से बळी पाडस चित्तीत हरणी, नामा मने मेघ जैसा विनवितो चात जैसा। यानी यहाँ पर आपको उन्होंने विठ्ठल भगवान की भक्ति संत नामदेव कैसे करते हैं उन्होंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल से यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है अग्नि माझी पड़े पारू माता धावे कलवारू। अभी अग्नि माझी है मैंने क्या बोला था आग बरोबर, पड़े यानी गिरना बराबर, पारू यानी क्या होता है बाल, अनि माता माता यानी माँ, उसके बाद धावे यानी भागना, अनि कनवारू यानी दयालु, जो एक बच्चे के लिए माँ का प्यार होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे कनवारू। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि श्री विट्ठल विट्ठल भगवान जो है वो विट्ठल भगवान को वो क्या समझ रहे हैं माँ समझ रहे हैं, यानी संत नामदेव विट्ठल भगवान को यहाँ पर क्या समझ रहे हैं उनकी माँ समझ रहे हैं, और संत नामदेव खुद को क्या समझ रहे हैं उनका छोटा सा बच्चा। समझ में आया, विट्ठल भगवान को वो अपने माँ का दर्जा दे रहे हैं और खुद को एक छोटे बच्चे का वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर दर्जा दे रहे हैं। विट्ठल रूपी माते ने अपने बाळाचा मायेने सांभाळ करावा, यानी ये जो विट्ठल भगवान यहाँ पर बताए हैं उन्होंने अपने बच्चे का जैसे माँ एक बच्चे को संभालती है वैसे विट्ठल भगवान ने अपने भक्तों को वैसे संभालना चाहिए, ऐसे संत नामदेव यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि अग्नि मने बाळ चुकून पडलं तर दयाळू आई त्याच्या रक्षणासाठी धावत जाते, यानी एक माँ का बच्चा अगर आग में गिरा है तो वो माँ देखती रहेगी क्या नहीं, तो वो क्या करेगी वो बच्चे को बचाने के लिए वहां पर भागते भागते जाएगी। त्याचप्रमाणे देवा माझे कार्य पूर्ण करण्यासाठी तू धावत ये, यानी वो भगवान को बोल रहे हैं कि विठ्ठल भगवान मेरा कोई भी काम हो जो मुझे करना है मुझे जिंदगी में जो भी कुछ करना है वो काम करने के लिए हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति दो एक ताकत दो, यानी आपका अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है और वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उनको क्या करो संभाल के लो, म्हणजे त्याचप्रमाणे देवा माझे कार्य पूर्ण करण्यासाठी तू धावत ये, मी तुला शरण आलेला दास आहे तुझ्या चरणी लीन झालेला मी परम भक्त आहे। देखो भगवान के जो दास उनको क्या बोला जाता है भक्त, यानी वो हमेशा क्या करते हैं विट्ठल भगवान की वो भक्ति करते हैं, और इसके लिए उन्होंने बोला है कि मैं विट्ठल भगवान के चरणों में पूरी तरह से लीन हो गया हूँ। लीन होना यानी खो जाना, पूरी तरह से सिर्फ उनका ही क्या करना उनकी ही भक्ति करना उनका ही नाम लेना उनकी ही हरे बताई हुई राहों पर चलना, उसे क्या बोलते हैं पूरी तरह से खो जाना यानी लीन हो जाना। फर्स्ट वाला समझ में आया, अभी सेकंड वाला, जैसे तैसे धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा, जैसे तैसे यानी क्या होता है वो ये वो उसके जैसा इसके जैसा उसे धावे धावे यानी भागना, माझिया माझिया यानी माझा, काजा काजा यानी मैंने यहाँ पर क्या बताया है काम, काजा यानी कहाँ पर लिखा है देखो काजा यानी काम, अंकिला मी दास तुझा यानी मैं पूरी तरह से तेरे में क्या हो चुका हूँ लीन हो चुका हूँ और मैं पूरी तरह से आपका क्या बन चुका हूँ दास बन चुका हूँ भक्त बन चुका हूँ। तो उसी हिसाब से वो बोल रहे हैं कि सर्वे ची झेपा में पक्षी पिल्ली पड़ता ची धरणी, यानी यहाँ पर उन्होंने बोला है कि झाड़ावरून अकस्मात यानी पेड़ पे से अचानक कभी ऐसा होता है आप लोगों ने देखा भी होगा कि
कि कोई बर्ड का बच्चा नीचे गिरता है, बराबर। तो वो बर्ड मतलब उसे पता तुरंत पता चलता है कि मेरा बच्चा क्या हो गया है, नीचे गिरा हुआ है। वो आसमान में घूमती रहती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ पर होता है? अपने बच्चों पर होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मतलब झाड़ावरून अकस्मात जर पितु धरती पर पड़ते तर क्षणाचा ही विलंब न करता, मतलब एक क्षण ही वो विलंब, विलंब यानी देर होना, उशीर, उसे मराठी में क्या बोलते हैं? उशीर। हाँ, पक्षी त्याच्या पाशी झेप घेते, यानी वो बर्ड क्या करता है, जब उसे वो देखता है कि मेरा बच्चा धरती पर जमीन पर गिर रहा है, तो वो एक मिनट का भी वो वहां पर, एक सेकंड का भी वो कुछ सोचते नहीं है, और वैसे ही वो क्या होता है, अपने बच्चे के पास आता है। त्याला वाचवण्यासाठी ती तत्पर जमिनीवरती येते, याने उसको एक आशा रहती है कि शायद मैं जल्दी जल्दी वो बच्चा गिरने से पहले अगर मैं जमीन तक पहुंची तो मैं मेरे बच्चे को क्या कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ। तो वैसे ही हे विठ्ठल भगवान, तू भी क्या करना, अगर कभी मैं कुछ काम करते वक्त कहीं पर गिर रहा हूँ तो मुझे भी तुम क्या करना, उसी तरह से संभाल लेना। समझ में आया? भूकेले वात्सरावे, वात्सरावे यानी क्या? भूकेले, भूकेले यानी भूख लगना, सबको पता है। वात्सरावे वो जो गाय का बच्चा रहता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वासरू, मराठी में उसे क्या बोलते हैं? वासरू। और वो गाय का बच्चा भी रो रहा है, क्यों? तो उसे क्या लगी है? भूख लगी है। धेनु हमरत थावे, धेनु, धेनु यानी क्या बताइए? गाय, धेनु यानी गाय। हुमरत जावे, हुमरत यानी वो जो आवाज निकालती ना गाय, उनका जो आवाज होता है, उनका जो साउंड होता है, उसे क्या बोला जाता है? हुमरत धावे, धावे यानी भागना। यानी जब उसका बच्चा, एक गाय का बच्चा जब अपनी माँ को पुकार रहा है, तो वो गाय को, वो धेनु को बराबर से पता चलता है कि मेरा बच्चा मुझे क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है, तो वो भागते भागते क्या करता है, उसके पास पहुंच जाता है। तो इसी तरह से है विठ्ठल भगवान, अगर कभी मैं कोई प्रॉब्लम में आ जाऊं, अगर मैंने आपको आवाज दिया, तो आप भी उसी माँ की तरह मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करो, मेरी मदद करो। ओके, कोई डाउट? पक्का? वनवा लागला, लागला असे बनी पाडस चित्तीत, पाडस चित्तीत हरणी। देखो यहाँ पर बोला है वनवा, वनवा यानी बढ़िया, बराबर, जो जंगलों में रखती है पेड़ों में, और वो जल्दी बुझती नहीं है। तो इसी तरह से वहां पर वनवा लगा है, आग लगी है, अनि बनी, बनी यानी कुठे लागला है? जंगला, यानी वो कहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ पर लगी हुई है वो आग? तो जंगल पे लगी है। वनी यानी यहाँ पर क्या है? जंगल है। वनवा यानी बहुत बड़ी आग वहां पर लगी हुई है। पारस, पारस यानी हिरण का बच्चा, पारस यानी कौन होता है? हिरण का बच्चा, उसे बोला जाता है पारस। पारस चिंतित हरणी, चिंतित हरणी, हरणी कौन है? पारस की माँ, बराबर। हरणी का, हरणी के बच्चे को क्या बोला जाता है? माँ बोला जाता है। हरणी के बच्चे को क्या बोला जाता है? पारस बोला जाता है। तो वह दोनों परेशान क्यों है? क्यों? तो उसको ऐसे लग रहा है, वो हिरण को, वो हिरणी को ऐसे लग रहा है कि शायद जहां पर ये जंगल में आग लगी है, जहां पर ये बहुत बड़ी आग लगी है, वहां पर मेरा बच्चा फंसा हुआ है या नहीं, उसके लिए वो क्या हो रही है? परेशान हो रही है। तो हे विठ्ठल भगवान, उसी तरह से अगर मैं कोई काम करूंगा तो वो काम भी अच्छे से हो जाए, और उसी तरह से मैं आगे बढ़ सकूं, मेरे को कोई मतलब किसी भी तरह का वनवा लागला से बनी पाड़स चित्ती तो हरली, यानी वनवा यहाँ पर, वनवा यानी बहुत बड़ी आग लगी है, और वो आग कहाँ पर लगी है? जंगल में लगी है, और वो हिरणी को ऐसे लग रहा है कि शायद मेरा बच्चा वहां पर क्या हुआ है, फंसा हुआ है, इसके लिए वो क्या हो रही है? चिंतित हो रही है, टेंशन में आ रही है। नामा मने मेघ जैसा, विनवी तो चातक जैसा, चातक के बारे में मैंने आपको गए साल भी बताया था, गए साल भी हम लोग को सेकंड वाली पोएम सप्त वाली थी 9th स्टैंडर्ड में,
बराबर। और वो नाइन्थ स्टैंडर्ड के पोएम में भी चातक पढ़ का बताया गया था। वो चातक पढ़ जो होता है वो पूरे साल पानी नहीं पीता है, सिर्फ वो बारिश का पानी पीता है। और जब उसको आप दूध और पानी एक करके देते हो तो वो सिर्फ क्या करेगा, दूध पिएगा और पानी निकाल देगा। तो उसी तरह से ये चातक पढ़े और वो जो संतन आते हुए वो क्या बोल रहे हैं कि हे विट्ठल भगवान मैं कौन हूँ, वो चातक बड़ हूँ जो सिर्फ क्या करता है, बारिश होने की क्या करता है, राह देखता है। तापा मने मेघ जैसा विनमित तो चातक जैसा, यानी संत वो विट्ठल भगवान को क्या बोल रहे हैं, मेघ, मेघ यानी बादल, यानी आप क्या हो, बादल हो और मैं कौन हूँ, चातक हूँ। और जिस तरह से चातक पर बारिश की राह देख रहा है उसी तरह से मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, राह देख रहा हूँ। क्लियर? कुछ डाउट एक बार वापस से थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, अग्नि माजी पड़े बारू, माता धावे कलवारू। अग्नि मजे आग में कोई बच्चा गिरा है और जब एक माँ का बच्चा गिरता है तो माँ क्या करती है, उसे बचाने के लिए वहां पर भागते भागते जाती है। तैसे धावे माझिया गादा अंकिना मी दास तुझा। उसी तरह से है भगवान, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में आ जाऊं तो उसी तरह आप भी भाग कर आकर मेरे प्रॉब्लम को क्या कर देना, सॉल्व कर देना। सर्वे चीजें पावे पक्षी भी पिल्ली पड़ता ची धरती, यानी कोई बच्चा अचानक से अब पेड़ पे से नीचे गिरता है तो वो माँ को समझ में आता है कि अभी मेरा बच्चा क्या हुआ है, नीचे गिरा है, तो उसे बस एक ही आशा होती है कि शायद अगर मेरा बच्चा जमीन पर आने से पहले अगर मैं वहां पर पहुंच गई तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे को संभाल सकती हूँ। मेरे पहला एग्जाम्पल उन्होंने बच्चे का गिरने का दिया है, बच्चा गिरता है तो माँ उसके पास भागते हुए जाती है, तो उसी तरह से तुम भी मेरे लिए भाग कर आना, ऐसे उन्होंने यहाँ पर बताया है। कौन, संत रामदेव ने विट्ठल भगवान को ये बोला है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि जब वो बच्चा नीचे गिरता है तो जमीन पर गिरता है, किसका, बर्ड का बच्चा, लेडी बर्ड जो होती है उनका बच्चा जो है वो नीचे गिरता है, तो एक माँ को एक आशा रहती है कि शायद मेरा बच्चा जमीन पर आने से पहले अगर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी तो मेरा बच्चा भी क्या हो जाएगा, बर जाएगा, उसे मैं क्या करूंगी, संभाल लूंगी। तो उसी तरह से वो विट्ठल भगवान को बोल रहे हैं संत रामदेव, अगर मैं कोई प्रॉब्लम में फंसा तो वो प्रॉब्लम में से क्या कर सकते हो, आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। भूकेले पिल्ली पड़ता ची धरनी, भूकेले वास्तर आवे धेनु हमरत धावे, यानी भूकेले वास्तर आवे, वास्तर आवे यानी मैंने बताया है वासु गाय का बच्चा, वो भूख से क्या कर रहा है, अपने माँ को आवाज दे रहा है कि मुझे क्या हुई है, भूख लगी है, और वो माँ अपने बच्चे का आवाज सुनकर वो क्या कर रही है, उसके पास भागते भागते जा रही है। पद्मा लागला से वही पारस चिंतित हरी। अभी पारस मैंने क्या बोला था, पारस कौन है, पारस कौन है, हिरण का बच्चा है, बराबर। और वो हिरणी को क्या लग रहा है कि मेरा बच्चा शायद वधवा यानी बड़ी आग में जंगल में क्या हुआ है, फंसा हुआ है, और उसकी वजह से वो क्या हो रही है, टेंशन में यानी चिंतित हो रही है। नामा मने मेघ जैसा विनमित तो चातक जैसा, यानी यहाँ पर बोला है नामा मने मेघ जैसा, यानी नामदेव यानी संत नामदेव ये बोल रहे हैं कि हे विट्ठल भगवान आप कौन हो, मैं, आप कौन हो, मैं यानी क्या, बादल। आणि विनमित तो चातक, विनंत विनमित विनंती करना यानी क्या करना, रिक्वेस्ट करना, बराबर, कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अभी प्यास लगी है तो जल्द से जल्द आप क्या हो जाए, यानी चातक पक्षी जिस तरह से मैं को आसमा बादल को विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि अभी मुझे पानी पीना है तो आप क्या करो, जल्द से जल्द बरसो, उसी तरह से संत नामदेव जो है वो विट्ठल भगवान को क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उसी तरह से आपको मिलने की मुझे भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इच्छा है, तो आप आपका श्रीमुख मुझे दिखा दो। ओके, समझ में आया? देखो अभी सबसे पहला ये पोयम का आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया।
ऐसा उसको समझ में आ रहा है तब वो कार क्या करती है, भागते हुए जाती है। अभी सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बताया है धरती वर पक्षिनी झेपावते, यानी धरती, धरती यानी क्या, जमीन बराबर, और पक्षिनी, पक्षिनी यानी बर्ड, वो नीचे क्यों आ रही है, तो क्यों आ रही थी वो नीचे, तो उसको पता चला था कि अभी मेरा बच्चा धरती पर क्या होने वाला है, गिरने वाला है। यानी जब पक्षी से पिल्लू झाड़ावरून खाली पड़ते, यानी जब वो बर्ड का बच्चा पेड़ से नीचे गिरता है तब पक्षी ने क्या करती है, नीचे उतरती है, झेपावते, झेपावते यानी नीचे उतरता। गाय हमरत धावते, गाय हमरत, हमर में, हमर में यानी मैंने क्या बोला था, आवाज, यानी वो आवाज करते करते जाती है, क्यों, तो वो अपने बच्चे को समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ, तेरे पास ही आ रही हूँ। यानी जब उसके बच्चे को, गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है, वासरू, गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है, वासरू, यानी जब उसको या उसके बच्चे को भूख लगती है तो तब ये गाय जो है वो आवाज करते हुए, मतलब हमरत, वो कहाँ पर भूखते हुए जाती है, अपने बच्चे के पास भूखते हुए जाती है। हरी चिंतित और चिंतित होते, यानी हिरन, हिरी हरिन जो है वो चिंता में क्यों थी, वो क्योंकि, हाँ क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जिस जंगल में आग लगी है, बड़ी आग लगी है, उस जंगल में मेरा बच्चा यानी मेरा पारस वहां पर क्या हुआ है, फंसा हुआ है, ऐसे उसको क्या हो रही थी, चिंता हो रही थी कि वहां पर मेरा बच्चा है या नहीं, इसके लिए हरी क्या हो रही थी, चिंतित हो रही थी। अभी देखो सेकंड प्रश्न क्रमांक टू में आपको ये बताया है कि कविते थी माता, बराबर, माता ये वर्ड यानी हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द, तो माता को इस पोयम में क्या बोला गया है, कोई बता सकता है, माता को इस पोयम में, माता कैसी होती है, कंगाल, दयालु होती है, बराबर, तो पोयम में क्या बोला है, माता कैसी है, कंगाल, बराबर। और उसके बाद उन्होंने बताया है हिरन, हिरन कैसे, हिरनी कैसी हुई है वहां पर, चिंती, समझ में आया, तो क्या लिखना है यहाँ पर, चिंती। ओके, समझ में आया, मतलब वर्णन करना के शब्द, यानी माता को भी क्या बताया है उन्होंने, दयालु पायालु, ऐसे माता के बारे में उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। और हरि, हरिन के, हरि के बारे में क्या बताया है, तो वो क्या है, चिंतित है, परेशान है कि शायद मेरा बच्चा उस आग में क्या हुआ है, फंसा हुआ।